ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दक्ष के यज्ञ स्थल में क्या हो रहा है? वीरभद्र घुस करके शिव जी के सब अनुयायियों के साथ तहस नहस कर दिया यज्ञ स्थल को, तो उसी में आगे पढ़ते हैं। जुहाव एतत् शिरः तस्मिन् शिरस्तस्मिन्, ये छिरा है, छिर को शिरा पढ़ सकते हैं। तस्मिन् दक्षिण अग्नाव अग्नव अग्नव हो जाएगा अग्नाव अग्नव अमर्षितः तद तद देव यजन दग्ध्वा प्रातिस्तद प्रातिस्तद गुह्यक कालयम गुह्यक आलयम। मेरे साथ पढ़िए। जुहाव एतद् शिरः तस्मिन् दक्षिण अग्नौ अमर्षितः दक्षिण अग्नौ है, दक्षिण अग्नौ अमर्षितः दक्षिण अग्नौ अमर्षितः दक्षिण अमर्षितः तद् देव यजनं दग्ध्वा तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रास्थितत् गुह्यक आलयम् प्रास्थितत् गुह्यक आलयम्। शब्दार्थ है जुहाव, आहुति की। एतद् वह शिरः सिर, तस्मिन् उसमें, दक्षिण अग्नौ दक्षिण दिशा की यज्ञ अग्नि में, अमर्षितः अत्यंत क्रुद्ध वीरभद्र तत् दक्ष का देव यजनम देवताओं के यज्ञ की व्यवस्था दग्ध्वा आग लगाकर प्रातिष्ठत विदा हुआ,
आलयम गुह्यकों के धाम यानी कैलाश को। फिर वीरभद्र ने उस सिर को किसका दक्ष का सिर काट दिया था उसने। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ की दक्षिण दिशा में आहुत के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। मेरे साथ पढ़िए, फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर ये सिर इसका है दक्ष का अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक पांचवे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूरे हुए। अब हम छठे में चलते हैं, छठे अध्याय में। तो छठे अध्याय में पहले पांच श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि यसो यसो जन्मादि यतो अन्वयादि तरस्तस्। मेरे साथ फिर पढ़िए। जन्मादियतो अन्वयात्। इतरस्तस् अर्थेषु अभिज्ञः स्वरात्। तेने ब्रह्महिता य आदि कवये। मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। यत्तत् सर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु। शिवदं त्रापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र। कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। तीसरा। निगम कल्प तरोर कलितं फलम्। सुख मुखाद अमृत दव संयुक्तम्। इवद भागवतम रसमालयम्। मुहुर्हो रसिकाः भूमि भावुकाः।
ये तीन श्लोक जो अभी तक पढ़े आपने मैंने, ये भागवत के पहले स्कंद के पहले तीन श्लोक है। सबको याद करिए आप जो याद कर सकते हैं, और जो ये संस्कृति की वजह से याद नहीं कर सकते हैं अपनी भाषा में लिख लीजिए, याद करिए इनको। और अब तीसरे अध्याय का, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां 29वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। चौथा श्लोक है, एते चांस कला पुंसः, कृष्ण तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकम्, मृजयन्ति युगे युगे। पांचवां श्लोक, जन्म गुह्यं भगवतो, एतत् प्रियतो नरः, सायं प्रातर्गणं भक्त्या, दुख ग्रामाद् विमुच्यते। अब छठे अध्याय में आपका स्वागत है। ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, क्योंकि शिव जी ने गुस्से में अपने सिर की एक लट फेंकी पृथ्वी पर और वीरभद्र पैदा किया, महान शक्तिशाली राक्षस। और वो गया, उसने वहां दक्ष के यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। अब ब्रह्मा जी भी नहीं गए थे। देखिए, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी को पहले से आभास था कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो भी नहीं गए। शिव जी को तो बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी नहीं गए, और वहां ऐसा हो गया। तो अब फिर ब्रह्मा जी आए, इनको लेके शिव जी के पास जा रहे हैं मनाने के लिए। ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना, मैत्रेय उवाच, अथ देव गणा सर्वे रुद्रान, रुद्र अनीकै पराजिताः, रुद्रानीकैः पराजिताः। एक मिनट प्रभु, पहले मैं पढ़ूं फिर आपके साथ पढ़ूंगा। रुद्र अनीकै पराजिताः, शूलपट्टिश नृशंसा, गदा परिग मुद्गरे, संचिन्न संचिन्न भिन्न सर्वांगा। सर ये थोड़ा ये इसको अच्छी तरह लिखा जा सकता था, पर ये गलत ढंग से लिखा हुआ। सरित्विक सभ्या भयाकुला, इसको सरित्विक लिखा जा सकता था, पर ये सरित्विक है, सरित्विक बीच में। सरित्विक सभ्या भयाकुला, स्वयं भुवे नमस्कृत्य कास्नेन एतत् न्यवेदयन्। अब पढ़िए मेरे साथ, मैत्रेया उवाच, अथ देव गणा सर्वे, रुद्र अनीकै प्रजा पराजिता, दोबारा पढ़ता हूँ, शूलपट्टिनृशंसा, गदा परिग मुद्गरे, संचिन्न भिन्न सर्वांगा, चारित्विक सभ्या भयाकुला, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, कास्मेन एतत् न्यवेदयन्।
शब्दार्थ है मैत्रेय वाच, मैत्र ने कहा अतः इसके पश्चात देवगणा देवता सर्वे समस्त रुद्र अनेक शिव के सैनिकों से पराजिता हारकर शूल त्रिशूल पट्टिस तेज धार का भाला निशिष तलवार गदा गदा परिग लोहे की शान परिग मुदगर मुदगर से संचिन्न भिन्न सर्व अंगा अंग प्रत्यंग घायल सऋत्विक सभ्या समस्त पुरोहितों तथा तो यज्ञ सभा के सदस्यों सहित भय आकुला अत्यंत भय से स्वयं भुवे भगवान ब्रह्मा को नमस्कृत नमस्कार करके कार्ष्णेयन विस्तार में एतद् दक्ष के यज्ञ की घटना निवेदयन विस्तार से निवेदन किया सूचित किया। समस्त जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव जी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उनने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। मेरे साथ पढ़िए, जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव जी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। उपलब्ध पुरैव एतद् भगवान् अब्ज संभवः नारायणस्य विश्वात्मा न कस्य अध्वरम् ईयतुः न कस्य अध्वरम् ईयतुः। मेरे साथ पढ़िए, उपलब्ध पुरैव एतद्, इसको पुरा पुरा एव एतद् भी पढ़ सकते हैं। उपलब्ध पुरैव एतद् भगवान अब्ज संभव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्य अध्वरम् ईयतुः। शब्दार्थ है उपलब्ध जानकर पूरा पहले से एव निश्चय ही एतत् दक्ष के यज्ञ की ये सभी घटनाएं भगवान समस्त ऐश्वर्य के स्वामी अब्ज संभव कमल से उत्पन्न ब्रह्मा अब्ज संभव नारायण नारायण च तथा विश्व आत्मा संपूर्ण विश्व के परमात्मा न नहीं कस्य दक्ष के अध्वरम यज्ञ में ईयतुः गए। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, इसलिए नहीं गए। अतः पहले से पूर्वानुमान होने हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। ये मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी
अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। इतना महान प्रजापति दक्ष, देखिए आपने देखा है, आपने रामायण सुनी है, इतना तपस्वी, इतना महारथी रावण का क्या हाल हुआ? घमंड, घमंड जो है, जो आप अक्सर लोग कहते हुए सुनता हूं मैं, घमंड है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा घमंड कहाँ रहेगा? यही दक्ष का भी हुआ। दक्ष के सिर में घमंड इस तरह चढ़ गया था कि वो अपने से ऊपर किसी को मानता ही नहीं था। ये तो ये उनको ये पूर्वानुमान था, क्योंकि दक्ष जिस ढंग से चल रहा था उससे उनको लगा कि ये गड़बड़ करेगा कुछ। उनको ये पता था कि ब्रह्मा जी को तो पता था, उनके सामने ही शिव जी की इतनी बेइज्जती की, उसने इतना अपमान किया शिव जी का, ये ब्रह्मा जी को पता था, तो और इसमें तो वो और भी कुछ करेगा, ऐसा तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। भगवान कहते हैं, जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है मैं सब जानता हूँ। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते थे कि दक्ष की यज्ञशाला में क्या होगा। इसी कारण से न तो नारायण न ही ब्रह्मा जी दक्ष के महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो उनको पता था पहले, भगवान तो जानते हैं, ये जो वेदा वेद हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं भगवान, पहले क्या था, अब क्या हो रहा, भविष्य में क्या होगा, मुझे तो सब पता है, ये उसको बताते हैं। तो विष्णु नहीं आए, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु तीन है ना, भौतिक जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा विष्णु महेश या शिव जी, ये तीन, दो गायब थे। विष्णु को तो सब पता रहता, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो कुछ होगा गड़बड़ पता था, नहीं आए। तो अब ये लोग जो वहां यज्ञ में स्थल में थे, ये सब ब्रह्मा जी के पास गए, अब ब्रह्मा जी लेके जा रहे हैं उनको शिव जी के पास। तद आकर्ण विभु प्राह तेजी असिकृता गसी क्षेमाय तत्सा भूयान न प्राय, भूयाद भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि दो नौ हैं, एक नौ में तौ आ जाएगा, एक नौ रहेगा। क्षेमाय तत्व सा भूयाद न प्रायण बुभूषताम, मेरे साथ पढ़िए, तद आकर्ण विभु प्राह तेजी असि कृता गसी क्षेमाय तत्र सा भूयात् न प्रायेण बुभूषताम्। शब्दार्थ है तत्, देवों तथा अन्य द्वारा वर्णित घटनाएं आकर्ण सुनकर विभु ब्रह्मा ने प्राह उत्तर दिया, तेजी यसी महापुरुष कृत आगसी अपराध किया गया, क्षेमाय अपनी कुशलता के लिए तत्र उस प्रकार सा वह हुआ ना, अच्छा नहीं है, प्रायण सामान्यता बुभूषताम रहने की इच्छा। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके
तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसा यज्ञ जिसमें आप किसी देवता का, किसी महापुरुष का अपमान करते हैं, तो तुम उस यज्ञ से उसका सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस तरह से तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबको। यहाँ पर जो मुझे लगता है, भृगु मुनि इतने महान इतने थे, उन्होंने दक्ष को समझाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझाया, गलती उनसे हुई तो उनके भी मूंछ निकाल के वो उखाड़ के फेंक दी। ये मेरे साथ पढ़िए, जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सबको सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या कहा, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो, तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देखिए, जब कभी आपके घर में कोई ऐसा अच्छा अवसर होता है, कोई काम कार्य होता है घर में, किसी का उपनयन संस्कार हो, शादी हो, ये हो, आप क्या करते हैं, कोई आदमी नाराज भी हो तो आप माफी मांग लेते हैं कि गलती हो गई। क्या होता है, कुछ लोगों को आप जैसे पहले प्रथा होती थी घर जाकर के निमंत्रण देते थे, कुछों को आपने निमंत्रण किसी के हाथ भिजवा दिया, उसमें भी लोग नाराज हो जाते थे पर्सनली। आजकल तो संभव नहीं है आप हर एक के पास जा सकें, पहले की बात, और अब में इतना चेंज आ गया, अब आप संभव ही नहीं। बड़े शहरों में आप एक जगह जाएंगे, दो तीन जगह घर से ज्यादा जा ही नहीं सकते, इसलिए लोग क्या करते हैं, निमंत्रण भेज दिया, उसके बाद टेलीफोन से उनको कहते हैं कि मैं नहीं आ सका, ये निमंत्रण भेजा है, आपको मिला होगा, आप अवश्य आएंगे। जिसको आपने नहीं टेलीफोन किया वो नाराज हो जाते हैं, लोगों का इतना वो है, इतना अपने में अहंकार है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, ऐसे करके। तो ये होता है हमारे भौतिक जगत में, क्योंकि हम लोगों में ज्ञान कम अहंकार ज्यादा होता है। तो ये हुआ वहां पर, तो शिव जी की जो उन्होंने दक्ष ने शिव जी का जो अपमान किया, और उसमें जो देवताओं ने, कुछ देवताओं ने साथ भी दिया दक्ष का, और सबको दंड मिला शिव जी की तरफ से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों के कारण भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। यह तो दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारम्बार महापुरुषों के चरण कमलों को अपमानित करता। मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्मों का बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारों को राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी है यदि वे भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि दक्ष का मारा जाना अच्छा ही रहा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ये देखिए, अगर किसी ने पाप किया है उसको दंड मिल जाए तो दूसरा जन्म उसका पूरा नहीं जाता। अगर नहीं मिला दंड, दूसरे जन्म में तो मिलेगा ही,
वो दंड तो मिलेगा। अगर यही मिल गया तो अच्छा होता है, अगर मैं कोई पाप करूं मुझे उसका दंड मिल जाए इसी जन्म में तो अच्छा है, अगले जन्म में नहीं ले जाना चाहिए यहाँ का बाहर, क्योंकि आपके पास बहुत है वहां के लिए। तो इसलिए ये अच्छा, तो जो किसी ने किसी की हत्या की तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया या आजीवन कारावास मिल गया, उसके लिए अच्छा है जिसको मिली है, क्योंकि उसको ये बोझ अगले जन्म में नहीं ले जाना होता है। ये बताया पांचवा श्लोक है। अथापि योयम् कृतकिल्बिषाभवम् ये बर्हिषो भागभाजं पराधुः प्रसादयद्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीत अंग्रिपद्मं प्रगृहीत अंग्रिपद्मं। मेरे साथ पढ़िए। अथापि योयम् प्रसादयद्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीत अंग्रिपद्मं। शब्दार्थ है अथ अपि फिर भी यूयम तुम सबुने कृत किल्विषा पाप करके भवम शिव को ये तुम सभी बरिशह यज्ञ का भाग भाजम प्राप्य भाग पराधु से अलग कर दिया है प्रसादयद्वम तुम सभी प्रसन्न हो परिशुद्ध चेतसा बिना किसी हिचक के क्षिप्र प्रसादम तुरंत दया प्रग्रहित अंग्रि पद्मम चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम लोगों ने शिव को प्राप्त यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है। तुम सभी दोषी हो, तुम दक्ष को भृग मुनि जैसे लोग तो बता ही सकते थे, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो, किसके? शिव जी के। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। शिव जी तो आशुतोष हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। तुम लोगों ने शिव को प्राप्त यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है। अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। लेकिन सॉल्यूशन बता दिया। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। शिव जी तो महान देवता हैं, वो तो प्रसन्न होंगे। आपसे भी हमसे भी कभी ऐसी गलती होती है तो उसका क्या उपाय है? उनके जाकर उनके चरण कमलों में माफी मांगना कि गलती होगी, मैं ऐसा इरादा नहीं था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है, आप किसी को निमंत्रण देना भूल जाते हैं, होता है क्योंकि आपके बहुत सारे जानने वाले हैं और एक आध को भूलना स्वाभाविक हो जाता है। तो अगर आपको पहले याद आ जाए तो उसका तो सलूशन हो जाता है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद आए, बाद में याद आए, तो सबसे तरीका यही है कि आप क्षमा मांगें
और उनके कहिए कि मेरे से ये अपराध हो गया है, ये जाने में नहीं अनजाने में हुआ है, भूल गया मैं, ऐसा करके तो दूसरे को थोड़ा, क्योंकि उसमें भी अभिमान है कि मुझे निमंत्रण नहीं आया, तो कम से कम उसका जो जो उसमें उसको ग्लानी है कि मुझे निमंत्रण नहीं आया, उसको आपने हील कर दिया, मरहम लगा दिया उसमें, कम से कम 50-60-70-80% और कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है वो तो आपके कहने मात्र से ही उसको बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो समझता है भूल गया होगा, वो तो उसके बाद फर्क है, उसका तो 5-7% गुस्सा होगा, खत्म हो जाएगा। ये बड़ा बड़ी अच्छी चीज है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का अर्थ है बहुत जल्दी तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगे, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं अतः उनका नाम उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर उनके पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। बस जिनसे लिए आपने गलती किया अगर उन्होंने माफ कर दिया तो आपका वो जो गलती है वो धुल जाती। आशा साना जीव जीवितम अध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तम आशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयद्वं हृदि विद्वं दुरुक्तैः। मेरे साथ पढ़िए। आशा साना जीवितम अध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तम आशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयद्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। शब्दार्थ है आशा साना पूछने के इच्छुक जीवितों अवधि तक अध्वरस्य यज्ञ की लोकः समस्त लोक सपालः अपने नियामकों सहित कुपिते क्रुद्ध होने पर न नहीं यस्मिन् जिसको तम वह आशु तुरंत देवम शिव से प्रिया अपनी प्रिया से विहीनम रहित क्षमा पयध्वम क्षमा मांगो हृदय उसके हृदय में विध्वम अत्यंत दुखी दुरक्त कटु वचनों से। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बताया कि शिव इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोग तथा इनके समस्त लोकपाल तुरंत विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण बहुत दुखी हैं, क्योंकि सती ने अपने अपने शरीर को त्याग दिया और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बताया कि शिवजी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर
हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगें। सातवां श्लोक। न अहम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यो हुआ योरवा है यो वार भी पढ़ सकते हैं यो हुआ यस्य आत्मतंत्रस्य का उपायं विदित से। मेरे साथ पढ़िए। ना हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ना हम न यज्ञो न यूयमन्ये ये देह भाजो मुनियश्च तत्त्वम् यस्य आत्मतंत्रस्य क उपायं विदित से। शब्दार्थ है न नहीं अहम मैं न तो यज्ञ इंद्र न तो च तथा यूयम तुम सभी अन्य दूसरे ये जो देहभाज देहधारी मुनिया मुनि च तथा तत्त्वम सच्चाई विदु जानते हैं प्रमाणम विस्तार बल वीर्ययो बल तथा वीर्य वा अथवा यस शिव का आत्मतंत्र से आत्मनिर्भर शिव का कह क्या उपायम साधन विदित से निकालना चाहेगा। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं न इंद्र न यज्ञ स्थल में समवेद समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिशाली हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। मतलब तुम इतने मूर्ख क्यों बन गए, इतना महान जो उनके चरणों पर इतना अपराध कैसे कर दिया तुम लोगों ने, क्यों ये लोग भी सहभागी हैं उसके। दक्ष तो पागल हो गया था अपने अभिमान से, लेकिन ये इतना महान भृगु ऋषि मुनि उनको सलाह दे सकते थे। तो मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं न इंद्र न यज्ञ स्थल में समवेत सदस्य समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा कौन होगा जो उनके चरणों पर ऐसा दुस्साहस करेगा। उनका मतलब सीधे तो दक्ष के लिए है, दक्ष ऐसा मूर्ख क्यों बन गया कि जो ऐसा कार्य कर गया और तुम लोगों ने उसका साथ दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी तो यह सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह मामला रखा जाए और कैसे उन्हें प्रश्न किया जाए प्रसन्न किया जाए।
ब्रह्मा ने यह भी बताया कि कोई भी बद्ध जीव यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवता गण भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा यह ज्ञात है कि वे तुरंत प्रसन्न किए जा सकते हैं, अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधीनस्थ को सदैव परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, यही भगवद गीता की शिक्षा है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबर युक्त पदों को त्यागने और उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। इससे बद्ध जीव समस्त पाप बंधनों से बच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे शिव जी के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सफल सरलता से प्रसन्न होने के कारण काम बन जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान के भक्त का अपमान करना बहुत बड़ा अपराध होता है, वो भक्त ही माफ कर सकता है। दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको जा करके अम्बरीश महाराज से उनके पास जाओ, और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरा जो सुदर्शन चक्र है वो मैंने नहीं भेजा, तो मेरे भक्त को बचाने के लिए अपने आप ही चल पड़ा, तुम जो है मेरे भक्त से माफी मांगो। ऐसा है, वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इससे हमेशा बचिएगा, हमेशा बचिएगा। किसी भी अपराध तो आप किसी का मत करिए, लेकिन किसी भक्त का अपराध आपसे हो जाए वो बहुत खतरनाक होता है, कि उसमें भगवान माफ नहीं करते। भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान तो महान है, वो उनको अगर आप गाली भी करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है आपकी गाली से, भगवान इतने रुष्ट नहीं होते। लेकिन अगर भगवान के भक्त का आपसे अपराध हो गया, किसी वैष्णव का, वो महान अपराध होता है, उससे हमेशा बचना चाहिए आपको। आपको लगता है कहीं कहीं पर कुछ लोग जितने भी भगवान के भक्त हैं वैष्णव आपको दिखेंगे, वो त्रुटि करते हुए भी दिखेंगे दिखेंगे, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है, हम उनको नहीं जज कर सकते। आपको लगता है ना कि ये ऐसे करता है, ऐसे बात करता है, ये हमको नहीं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि वो हर एक का अपना अपना ढंग है, उनमें कमियां दिखती हैं, लेकिन इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो कमियां होते हुए भी उसने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा के लिए, तो हम तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है, इसलिए क्रिटिसाइज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, हमारी भक्ति में तरक्की नहीं हो पाती है, हम प्रगति नहीं कर पाते अगर हमने वैष्णव अपराध किया तो, क्योंकि भगवान नहीं क्षमा करते, वो क्षमा खाली वैष्णव भी कर सकता है। आपको किसी से गलती हो गई, जा करके उसके चरण कमरों में पढ़ के माफी मांग लीजिए, वो माफ कर दे तो भगवान खुश, क्योंकि भगवान बिल में पढ़ते ही नहीं, वो कहते हैं उसी से माफी मांग। दुर्वासा मुनि का किस्सा हमको पता है, 8वां श्लोक। स इत्थम आद्यस्य सुरांजस्तुतः सुरान अजहतुतः समन्वितः पृथ्वी संप्रजेशः ययो स्वाधिष्णय स्वाधिष्णया नौ में एक को तो ले लूंगा फिर निलयम हो जाएगा। यय स्वाधिष्णयाद निलयम पुरद्विषः कैलासम अत्रि प्रवरम प्रियम प्रभो कैलासम अत्रि प्रवरम प्रियम प्रभो। मेरे साथ पढ़ी। स इत्थम आदिश्य सुरान सुरान जहतुते सुरान अजहतुते सैत्थम आदिश्य सुरान जहतुते सैत्थम आदिश्य सुरान अजहतुते सैत्थम आदिश्य सुरान जहतुते समन्वितः पितृभिः संप्रजेशः समन्वितः पितृभिः संप्रजेशः ययौ स्वधिष्णयाद् निलयम् पुरद्विषः ययौ स्वधिष्णयाद् निलयम् पुरद्विषः
विषः कैलासम् अद्रि प्रवरम् प्रियं प्रभो शब्दार्थ सह वह यानी ब्रह्मा इत्थम इस प्रकार आदि से शिक्षा देकर सुरान देवों को अजह ब्रह्मा तू तब तय उनके समन्वित सहित पितृ भी पितरों सब प्रजेश जीवात्माओं के स्वामियों सहित ययौ चले गए स्वदेशनायात अपने स्थान से निलयम धाम पुरा द्विशह शिव का कैलासम कैलाश अद्रि प्रवरम पर्वत में श्रेष्ठ कौन कैलाश पर्वत प्रियम प्रिय प्रभो प्रभु शिव का। इस प्रकार समस्त देवताओं पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार समस्त देवताओं पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत। तात्पर्य बहुत छोटा है, नहीं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद कीजिए। यहाँ से आगे के 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है और 14 श्लोक खाली कैलाश का वर्णन पर है। एक में पढ़ता हूँ, अभी शायद ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। जन्म औषधि तपो मंत्र योग सिद्ध नरह नर इतर जुष्टम किन्नर गंधर्व अप्सरो अप्सरो भी प्रतम सदा। मेरे साथ पढ़िए, जन्म औषधि तपो मंत्र योग सिद्ध नर इतर जुष्टम किन्नर गंधर्व अप्सरो भी व्रतम सदा अप्सरो भी व्रतम सदा। शब्दार्थ है जन्म जन्म औषधि जड़ी बूटियां तपह तपस्या मंत्र वैदिक मंत्र योग योग अभ्यास सिद्ध सिद्ध पुरुषों द्वारा नर इतर देवताओं द्वारा जुष्टम होगा गया किन्नर गंधर्व किन्नरों तथा गंधर्वों द्वारा अप्सरों भी अप्सराओं द्वारा प्रथम पूर्ण सदा सदैव। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से ही भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। उसका वर्णन हो रहा है कैलाश धाम का। कैलाश यहाँ भी है ना, जो अभी पहले तिब्बत में आता था, अब चाइना ने ले लिया उसको। तिब्बत चाइना के पास है तो कैलाश धाम अभी चाइना के पास है। तो ये कैलाश जो है हमारे धरती पर है, शिवलोक पर ही है। तो वहां का कैलाश शिव ये जो कैलाश की बात हो रही, ये इस कैलाश की बात नहीं हो रही। ये जो कैलाश जहाँ शिव जी रहते हैं वास्तव में, ये उसका प्रतिबिंब माना जाता है। जो कैलाश धाम लोग यात्रा करते हैं, ये चाइना के अंडर है अभी, तो चाइना इसके परमिशन लेके लोग जाते हैं अभी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्ट्री से के थ्रू होता है। अगर आपको जाना है तो वहाँ अप्लाई करना पड़ता है,
साल में एक बार होती है यात्रा। मेरे साथ पढ़िए, कैलाश नामक धाम, कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है, वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है, योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं, जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं, और योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य भी हैं, जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं, जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं। वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं, वे जो अप्सराएं कहलाती हैं, जो अप्सराएं कहलाती हैं। ओम अज्ञ ज्यादा कल पढ़ेंगे, ओम अज्ञान तिम्रान ज्ञानांजन चक्षुरुन्मीलनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाज देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।